आलू की सब्जी तो हम हर रोज बनाते हैं, पर एक बार मेरे तरीके से बनाइए अगर कुछ अलग खाने का मन करे तो। हेलो फ्रेंड एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो फ्रेंड, जब भी कोई घर में सब्जी ना हो या कुछ अलग खाने का मन हो तो एक बार इसे ट्राई कीजिएगा। एक सीधी सी सिंपल सी आलू को हम कैसे जायकेदार, चटपटी, मसालेदार और टेस्टी बनाया जाता है, अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर क्लिक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम इस सब्जी को बनाने के लिए मैं यहाँ पर ली हूँ 3 मीडियम साइज का आलू। अच्छे से छील के इसको धो ली हूँ। अब इसको हम मीडियम वाले ग्रेटर से इसको ग्रेट करेंगे। मोटे वाले ना ज़्यादा मोटे वाले से करें, ना ज़्यादा बारीक वाले से करें, हम मीडियम वाले से आलू को, सारे आलू को ग्रेट कर लेंगे पानी में डालकर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, सारे आलू हमारा ग्रेट हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे और इसको अच्छे से सारे आलू में से पानी निचोड़ कर हम निकाल लेंगे। हाथों से ही निचोड़ेंगे, अगर इसमें पानी बच जाएगा तो जब हम इसका बनाए मिक्सचर बनाएंगे ना तो उसमें थोड़ा पानी पानी सा आएगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर सारे मिक्सचर आलू को हम यहाँ पर निकाल लिए हैं पानी से। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे जैसे आलू के अंदर तक स्वाद आए। तो यहाँ पर मैं ली हूँ 1 टेबल स्पून के करीब अदरक, हरी मिर्च और लहसुन। इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। अब इसमें थोड़ी सी हम बारीक कटी हुई धनिया डाल देंगे। अब यहाँ पर डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा करकर। अभी मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून इसमें बेसन, और बेसन को हम अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। अगर अभी यहाँ पर फ्रेंड हम ध्यान रखेंगे, नमक नहीं डालेंगे, नहीं तो नमक डालेंगे तो हमारे आलू पानी लीक कर देगा, ऐसे पानी पानी सा बन जाएगा मिक्सचर। तो देखिए, इसको हाथों से अच्छे से मसलते हुए हम डालेंगे ना तो आलू में से जो पानी निकलेगा अच्छा सा बाइंडिंग बन जाएगा इसका। अगर यहाँ पर आपको बेसन थोड़ा सा कम लगे तो आप बेसन डाल सकते हैं, आप चाहो तो इसको कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो, मैदा भी डाल, पर बेसन हेल्दी होता है इसलिए हम बेसन डाल रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ ध्यान जरूर दीजिएगा कि नमक हमको अभी नहीं डालना है। तो देखिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए अपने हाथों से। आप चाहो तो यहाँ पर अगर अदरक लहसुन नहीं पसंद है उसको स्किप कर सकते हो, या जो ना पसंद हो उसको स्किप कर सकते हो। तो अब हमारा मिक्सचर अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसको हम रखेंगे साइड में और अब इसका हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर ग्रेवी बनाने के लिए मैं ली हूँ 2 मीडियम साइज का टमाटर और 3 प्याज ली हूँ। तो प्याज हमारा छोटा है, यहाँ पर छोटे साइज का प्याज है, ज़्यादा बड़ा बड़ा ना है। और आपको यहाँ पर प्याज और लहसुन पसंद नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं। एक प्याज को हम बारीक चॉप कर लेंगे, रफली चॉप कर लेंगे, और 2 प्याज को हम पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर प्याज और टमाटर दोनों को हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। प्याज को भी हम टमाटर को भी हम रफली चॉप करेंगे और प्याज को भी, दोनों को एक साथ ही हम पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि प्याज पहले हम थोड़ी सी चॉप कर लिए हैं, इसको भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1/2 इंच के करीब अदरक और 7 से 8 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्च डाल देंगे तोड़कर, और इसको दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे, ज़्यादा बारीक नहीं पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेस्ट हमारा दरदरा सा बना है। अब और हम तड़के के लिए थोड़ी सी मसाले को यहाँ पर तैयार करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं मसाले को एक खलबट्टे में ले रही हूँ 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीसपून मैं इसमें ले रही हूँ सौंफ और 1 तेज़पत्ता और 2 साबुत लाल मिर्च। इसको कूट लेंगे, ऐसे हल्का सा दरदरा सा हमको बनाना है इसलिए हम
थोड़े थोड़े इससे डालने से ना फ्रेंड बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस सब्जी में। और चलिए अब गैस की तरफ, तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा रखा है, कढ़ाई हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल, आप जो कुकिंग ऑयल यूज करते हो आप यहाँ पर डाल सकते हो। और इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे जैसे जावित्री और दालचीनी और एक खड़ी इलायची, छोटी वाली इलायची, एक बड़ी वाली इलायची और जीरा और ये सौंफ जो हमने कूटा था इसको डाल देंगे, क्रश किया हुआ जीरा और सौंफ और धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। अब मसाले को अच्छे से चटक जाने देंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो बारीक चॉप करके प्याज एक रखे थे ना, उस प्याज को हम डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा प्याज अच्छे से भून गया है। अब जो हम मसाले पेस्ट बनाए थे प्याज टमाटर अदरक लहसुन का, उसको डालकर अच्छे से भुनाई करेंगे जब तक कि टमाटर तेल ना सेपरेट करने लगे। जब टमाटर तेल छोड़ देगा तब हमारा टमाटर अच्छे से भुन गया होगा और इसका जो अपना फ्लेवर होता है ना वो निकल चुका होगा। ऐसे डालने से कितने भी टमाटर डाल दो और अच्छे से भून दो तो उसमें टमाटर का जो अपना फ्लेवर होता है उसका टेस्ट नहीं आता है, तो इससे सब्जी बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पर देखिए टमाटर अच्छे से तेल छोड़ चुका है। जब टमाटर अच्छे से पक जाता है ना तो तेल छोड़ देता है आया मसाले भी। तो अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, वही रूटीन वाले मसाले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और थोड़ी सी धनिया पाउडर। मसाले आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आप सब्जी कितना बना रहे हैं। जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर चौथाई चम्मच, यहाँ पर स्पाइसी वाली रेड चिली पाउडर और कश्मीरी मिर्च कलर के लिए थोड़ा सा डालेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा डाल देंगे किचन किंग मसाला और इसको फिर से हम भुनाई करेंगे जब तक कि मसाले तेल ना छोड़ दे तब तक भुनेंगे अच्छे से। और गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे और इसको अच्छे से भुनाई करेंगे। यहाँ पर थोड़े से मसाले हमारे लग रहे थे कि ठीक थे कि जल जाएंगे, तो थोड़ी सी पानी डालकर भुनाई करेंगे ताकि कि मसाले अच्छे से भुने। और ड्राई ड्राई से मसाले लग रहे थे हमारे तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला और इसको फिर भुनाई कर लेंगे। ऐसे भुनने से ना मसाला बहुत ही अच्छा भुनता है और टेस्टी भी लगता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, तो अभी इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी अभी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, अभी हम पानी बस 1 कप के करीब ही डालेंगे। मसाले देख रहे हैं अभी कितनी गाढ़ी गाढ़ी सी है। अब चलिए जो मिक्सचर बनाए थे आलू के ना उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और ध्यान रहे कि ग्रेवी में भी हमको नमक डालना है, अभी हम ग्रेवी में नमक डाले नहीं है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की सहायता से। अब इसमें हम ग्रेवी की तरफ चलते हैं, तो देखिए ग्रेवी में हम डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। हमको यहाँ पर ग्रेवी के लिए नमक डालना है, ऑलरेडी हमने आलू के मिक्सचर में नमक डाल दिया है, ये ध्यान रखेंगे। और ग्रेवी में नमक डालकर एक यहाँ पर हम रखेंगे दूध वाला स्टैंड यानी दूध वाला जाली, और इसमें पहले से ही हमने ऑयल लगा दिया है। अब ये जो आलू के मिक्सचर बनाए थे ना वैसे आप किसी भी शेप में कर सकते हो, टिक्की के शेप में या बड़ियों के शेप में डाल दीजिए। अगर तेल लगा देंगे इस पर आलू वाले दूध वाले जाली पर ना तो ये चिपकेगा नहीं बिल्कुल। और देखिए अब इस पर हम इसको बनाते जाएंगे, सारे को डाल देंगे एक बार में ही, एक बार स्टेन में आ जाए तो डाल दे, नहीं तो बाकी को बच जाए तो उसको दूसरा बैच भी करना पड़ेगा या बड़े ले ले। मेरी थोड़ी सी छोटी ये जाली है दूध वाली और इसको ढककर हम 5 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर पकाएंगे। लो 5 मिनट में ये बहुत अच्छे से पक जाती है। और ये देखिए 5 मिनट बाद हमारी बड़ी, ये जो आलू की बड़ी थी ना इतनी अच्छी पक गई है ना। अभी यहाँ पर स्टैंड बहुत गर्म था, हाथों से निकल नहीं पा रहा था, अब इसको निकाल लेंगे। अब हम मसाले देखेंगे, तो मसाले भी देखिए जितना पानी डाले थे ना वो सारा पानी खत्म हो गया है, बस हमारे मसाले बच गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे अपने अकॉर्डिंग पानी कि हमको ग्रेवी कितनी रखनी है, ग्रेवी गाढ़ी रखनी है या ग्रेवी लिक्विड रखनी है, उसके अकॉर्डिंग पानी डालेंगे। हम यहाँ पर लगभग 2 कप पानी डाल रहे हैं।
अभी थोड़ी सी ठीक लगी थी रही थी मेरी ग्रेवी, और जब बड़ी जा ये आलू क्या बड़ी जाएगा तो फिर भी ये पानी थोड़ी सी अजब करेगा, इसलिए तो यहाँ पर ग्रेवी में अच्छे से उबाल आने जाने देंगे और 2 मिनट के लिए ग्रेवी को और पका लेंगे, ताकि हमारे पानी ठंडा था इसलिए। अब हम इसको जो बड़ी है ना वो भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं, इसको डाल देंगे। तो सारे बड़ी को हम डाल देंगे ऐसे ही, जब पानी जब मसाले में अच्छे से उबलने लगे तब भी हम डालेंगे, नहीं तो ठंडे में डालेंगे तो वो हमारी सारी बड़ी बिखर जाएंगी। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1 चम्मच होममेड गरम मसाला, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया, और इसको ढककर हम 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। और 2 मिनट बाद आप देखेंगे तो कुछ कुछ आपको ऐसा मिलेगा हमारा आलू की सब्जी। तो फ्रेंड ये हमारी आलू की जायकेदार चटपटा मज़ेदार सी टेस्टी सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे कोई गेस्ट या मेहमान घर में आए तब भी बना सकते हैं, इतने टेस्टी बनते हैं कि खाने वाले को पहचान भी नहीं आता है कि आलू की सब्जी है जब तक आप ना बोलो। ये सब्जी बहुत ही कम सामान में बनकर बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। ये सब्जी देखने में जितना डेंटिन लग रहा है ना, स्वाद में उतना ही स्वादिष्ट है। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आए। रेसिपी पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑल पे प्लेस करें, ताकि नोटिफिकेशन हमारे वीडियो को आप तक पहुंचे। और फेसबुक इंस्टा पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ।